ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी की राजनीति में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक बयान से चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने दावा किया है कि उनकी सपा और बसपा से गठबंधन की बात चल रही है। इसके लिए शर्त रखी गई है कि सभी 403 सीटों पर भाजपा को रोकने की कोशिश की जाए। इस एक बयान से पश्चिमी यूपी में एक नए सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी प्रमुख, ये यूपी में राजनीति का वो नया चेहरा है जो अपने समर्थकों के दम पर सियासत के नए समीकरण रच रहा है, और ये समीकरण विरोधी खेमे के कई सूरमाओं की बेचैनी बढ़ा रहा है। बेचैनी इस बात को लेकर कि कहीं दूर रहे तो अपना वोट बैंक ना घट जाए, इसलिए चंद्रशेखर को अपने पाले में करने में कई दल जुटे हैं। लेकिन खुद भीम आर्मी चीफ क्या सोच रहे हैं, ये उन्हीं से सुनिए। आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज के समर्थन में रहेगी, उनके मुद्दों पे रहेगी। हमारे कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 400-403 सीटों पे बीजेपी को रोकना। ये तय है कि 2022 में भी कोई बड़ा सियासी दल ही यूपी में सरकार बनाएगा, लेकिन ये भी तय है कि उसे सत्ता तक पहुंचाने में छोटे दलों की बड़ी भूमिका रहेगी। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी कई छोटे दलों से गठबंधन करेगी। वहीं बसपा अभी गठबंधन के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर नहीं आई है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के मुखिया की रणनीति को समझना जरूरी है। तो जो ऐसे दल हैं जो इन सभी मुद्दों में हमारे साथ सहमत होंगे, उनके साथ मिलकर एक गठबंधन भी बनाने का हम लोग प्रयास करें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जा सके। चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव से भी वो पिछले दिनों मिलकर चर्चा कर चुके हैं, और लोगों ने वो तस्वीर भी देखी थी जब प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे मिलने अस्पताल पहुंच गई थी। ऐसे में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की विधानसभा चुनाव में कितनी अहम भूमिका होगी समझी जा सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त एबीपी गंगा पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। जी जी, धन्यवाद। जय भीम जी। चंद्रशेखर जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपकी और आपकी पार्टी क्या गठबंधन करेगी, किसके साथ करेगी? मैं सीधे सवाल के साथ आ रहा हूं आपके पास। देखिए, पत्रकार को सवाल सीधा ही पूछना चाहिए, कान इधर उधर तो बातें घुमाने काम नेताओं का होता है। लेकिन आप तो आपसे सीधे सीधे गठबंधन सीधे जवाब क्यों नहीं दे? मैं आदमी बड़ा सीधा हूं और सीधे जवाब देता हूं। देखिए, बिल्कुल गठबंधन करेंगे। जिन दलों से वार्ता चल भी रही है, जिन मुद्दों पे हमारी जो मांग है, जिन मुद्दों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उन मुद्दों पे जिन दलों से सहमति होगी उनसे गठबंधन होगा। गठबंधन की जानकारी आप सब लोगों को दी जाएगी, गठबंधन चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए उनके हालात देखें, और वर्तमान में मेरे लिए राजनीतिक कुर्सी से ज्यादा मेरे लिए जरूरी उत्तर प्रदेश की जनता का भला जी। और उत्तर प्रदेश में रहने वाले बहुजन समाज को सुरक्षित रखना। जिस तरह से पिछले 4.5 सालों में जनता बेहाल हुई है उत्तर प्रदेश में, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना और उनको गुमराह ना होने देना, तो मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करूंगा। इसलिए चाहूंगा कि एक बड़ा गठबंधन बने। नेता क्या चाहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, जो बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता, लेकिन मैं क्योंकि भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मानवता कल्याण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए जो है मेरा प्रयास है गठबंधन बने जी। लेकिन चंद्रशेखर, ये बताइए कि सपा बसपा दोनों पार्टियों के साथ भी आप तैयार हैं जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आपको? देखिए, जिनसे समझौता होता है उनसे संघर्ष नहीं होता,
और जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता है। तो मेरी इन दलों से लड़ाई तो कोई नहीं है जी। मेरी तो मैं तो किसी भी दल के साथ जो जिससे मेरे लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें, तो वो जिससे मैं अपने लोगों का भला कर सकूं जो बेबस हैं जी। एक तरफ सुनिए रोहित जी, जी बोलिए बोलिए। एक तरफ लोगों के तन पे कपड़े नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, नौजवानों पे रोजगार नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां ये अरबों खरबों रुपए भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ विज्ञापन पे खर्च कर देती है। जिन लोगों को सिर्फ सत्ता से मतलब है वो उनसे मेरे रिश्ते नहीं है, उनको मैं सत्ता में रहने भी नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों की राजनीति को मैं गठरी बांध के समुद्र में फेंक दूं। लेकिन जिनसे मेरे वैचारिक तो कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिनके साथ मिलकर मैं अपने लोगों के अधिकार दिला सकता हूं, तो उनके साथ गठबंधन करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन चंद्रशेखर, आपको कई उत्तर प्रदेश की सियासी पार्टियां, सीधे तौर पर अगर मैं बसपा की बात करूं, वो तो आपको दोस्ती के नाते से ज्यादा चुनौती समझती है। आपको आप पर कई बार अप्रत्यक्ष तौर पर कई ट्वीट्स के जरिए तंज भी कसे जा चुके हैं, आपको भी पता है, इस पर क्या कहना है? ये आप भी समझते हैं, कमजोर का कोई विरोध नहीं करता, हर व्यक्ति ताकतवर का विरोध करता है। तो आजाद समाज पार्टी ताकतवर है। चंद्रशेखर को बहुजन समाज के लोगों ने तैयार किया है। दलितों की बहुत बड़ी भूमिका है, पिछड़ों की, आदिवासियों की, मुसलमानों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की बहुत बड़ी भूमिका है जिन्होंने तैयार किया है। तो उन जब हक की बात होगी तो जरूरी नहीं कि सब लोग सहमत होंगे। तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं जो आलोचना करते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं जो सम्मान करते हैं। बेसिकली मेरा सम्मान और मेरी आलोचना इस बात से स्पष्ट होती है कि मेरे लोगों को अधिकार कितने मिल रहे हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या कहता है। बुआ जी का स्वागत है, वो जो कुछ कहती है। मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप जिस वर्ग के वोट से आप चार चार बार मुख्यमंत्री बनी, आपको ये उनकी हालत के बारे में भी देखना चाहिए। आज पिछले 4.5 साल में यूपी में सरकार तो रोहित जी कहीं की रही हो, किसी प्रदेश में किसी पार्टी के अन्याय अत्याचार तो सब जगह हुआ है, चाहे वो राजस्थान की सरकार क्यों ना हो कांग्रेस की, लेकिन यूपी में जो हमने देखा, आपने हाथरस देखा, आप सब लोग मीडिया वालों के वजह से उस परिवार को न्याय मिलना संभव हो पा रहा है कि जब अपराध होता है तो अपराधियों को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी होती है, नेता चुप होकर बैठ जाते हैं। तो जब दलित बच्चों की जो है इज्जत तार तार की जाती है, उनको मारा पीटा जाता है, उनका सामूहिक अपमान होता है, उनको जो है तमाम तक सताया जाता है, थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, अधिकारी उनके सुनते नहीं, उनकी जमीन दबा ली जाती है, उनके घर जलाए जाते हैं, जब ये अन्याय होता है तो ये नेता नहीं आते, तब भीम आर्मी जाती है और एक एक भीम आर्मी कार्यकर्ता रात को धूप में, बारिश में, आंधी में साइकिल से, मोटरसाइकिल से जाके इस लड़ाई को लड़ता है। तो जनता का विश्वास बढ़ रहा है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रति, और यही विश्वास जो है उनको सत्ता में स्थापित करेगा, और जब वो सत्ता में आज उनके हाथ में होगी तभी उन लोगों का भला हो सकता है, ठीक है, किसी दूसरे के भरोसे उनका भला नहीं होगा। जिन जो लोग नारे देते सबका साथ सबका विकास, उन्होंने तो दिखा दिया क्या किया उत्तर प्रदेश में जी। ठीक है, ये बात आपने कही। चंद्रशेखर, देखिए अगर हम आपकी सियासत को देखते हैं, आपको अगर देखते हैं, तो चंद्रशेखर ने इसलिए अपनी जगह बनाई उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर, जिस जमीन पर जगह बनाने के लिए लोगों को सालों लगते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है, आपको पूरे समाज का प्यार मिला, सब लोगों का प्यार मिला, साथ मिला, आप खड़े हुए, लेकिन आपके सफर में जो सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी ताकत आपकी थी या आपकी है, मैं कहूंगा ये जो मैं समझता हूं एक राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते, वो आपकी सीधी बात करना, क्योंकि आज भी इस देश का आम आदमी सीधी बात समझता है, गांव में रहने वाला आदमी, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद थोड़े से पॉलिटिकल बातें करना शुरू कर दी कि हम ये भी कर सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं। ये मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि जो आपके यूएसपी, जिस वजह से युवा आपको पसंद करते हैं, कि चंद्रशेखर बिना लाग लपेट के बात करते हैं, लेकिन आप इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? मैं रोहित जी अभी एक भी तरफ ऐसा ही क्यों हूं? नहीं होना पड़ रहा है राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद? जी जी बोलिए बोलिए। अच्छा, राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद मेरे पास उन करोड़ों राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद रोहित जी मेरे पास उन करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है जो विश्वास करते हैं कि इस व्यक्ति के होते जो है, ये जो हमारा बेटा है, ये हमारा भाई, इसके होते हमें न्याय मिलेगा। तो उनकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ। अगर मैं पहले ही अपने सारे पत्ते खोल दूंगा
तो फिर ये सरकार के लोग जो हैं मुझे कहाँ चैन से बैठने देंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी सीधी बात सुनना चाहते हैं ना आप? जी, जी। अभी 1 तारीख से साइकिल यात्रा शुरू होगी, गांव गांव जाके बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो बीजेपी लाई थी कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और जो नहीं किया और जो पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को दिया, वो सब गाँव गाँव जाके आदमी आम आदमी को बताने का प्रयास किया जाएगा। उसको ये बताया जाएगा कि आपकी एक गलती से भारतीय जनता पार्टी सरकार में उत्तर प्रदेश जो है बेहाल हो गया। फिर साइकिल यात्रा खत्म होगी तो पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी, मैं खुद पैदल यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में करूंगा। वो खत्म होगी तो नुक्कड़ सभा स्टार्ट हो जाएंगी, वो खत्म होगी तो विधानसभा मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर जिलों में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर प्रदेश स्तरीय जो है बड़ी बड़ी रैलियां होंगी। तो मैं तो सीधी बात बता रहा हूं कि हमने कमर कस ली है, किसी भी कीमत में इस बार सत्ता में शामिल होंगे और अपने लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षित करेंगे, उनको न्याय देंगे, उनको काम करने का मौका देंगे जो पिछली सरकारों ने नहीं दिया है। जहां बेबसी हमारे लोगों के चेहरों पे है, वहीं नौजवानों में इस बात का उत्साह है कि इस बार उनकी भागीदारी निश्चित है। ठीक है, तो जिसके साथ गठबंधन करके मैं यहां बहुजनों का भला कर सकूं, उनको न्याय दिला सकूं, उनकी जान बचा सकूं, उनको एजुकेशन दिला सकूं, उनको रोजगार दिला सकूं, उनको सुरक्षित रख सकूं। देखिए, मैं एक गरीब का बेटा हूं, रोहित जी पूरी ईमानदार से बताता हूं जी, मैं दिल्ली में हूं जी। जब मैं देखता हूं कि अमीर लोग एसी में रहते हैं, मुझे अमीरों से कोई लड़ाई नहीं, अमीर लोग एसी में रहते हैं इस टेम्परेचर में, लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ बहुत बहुसंख्यक रूप से जो झोपड़ियों में लोग रहते हैं, छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, वो किस तरह समय पास करते हैं। मैं गांव से आता हूँ, मैं गांव की समस्याओं को जानता हूँ, मैं किसानों की समस्याओं को जानता हूँ, किसानों को के साथ क्या बेकदरी हुई है। अभी किसान अब किसानी उपकरण के रेट बढ़ा दिए हैं, खाद के रेट बढ़ा दिए, बीज के रेट बढ़ा दिए। ये तानाशाही जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसका अंत मैं चाहता हूँ और पूरा उत्तर प्रदेश का अंत चाहता है। लेकिन जिन लोगों की सरकारें रही है, उन्होंने जो भरोसा तोड़ा है ना, सबने तोड़ा, जिनकी सरकार रही है इसलिए जनता का विश्वास कम हुआ है। तो मेरी पहचान ही संघर्ष है, मैं संघर्ष से तैयार हुआ और मैं जब तक इस देश में, भारत उत्तर प्रदेश में नहीं, जब तक इस देश में अन्याय, अत्याचार, गैर बराबरी खत्म नहीं कर देता, जब तक मैं ये आज आपके चैनल से के सामने वादा कर रहा हूँ अपने करोड़ों दर्शकों से, जो आपके करोड़ों दर्शक देख रहे हैं जी, कि जब तक इस देश में हर एक बहन बेटी सुरक्षित नहीं होगी और हर एक बहन बेटी को विश्वास नहीं होगा कि अब उनके भाई के हाथ में ताकत है, हम सुरक्षित हैं, मैं उस हर बहन बेटी से कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की, कि जो जुल्म जाति आप झेल रहे हो, इसका अंत होगा 2022 में। और मैं जिम्मेदारी लेता हूं, किसी भी समाज की कोई बहन बेटी जो है उसके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार नहीं होगा। ठीक है, अभी हुआ कि एक प्रधान की बच्ची को नचाया, अभी सुसाइड कर लिया। मेरा एक और सवाल चंद्रशेखर आपसे है, क्या चंद्रशेखर, संकल्प है मेरा, प्रतिज्ञा जी, ये आपकी प्रतिज्ञा हमने सुनी, क्या चंद्रशेखर आजाद भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल का जवाब तमाम युवा जानने चाह रहे हैं, आपके जो चाहने वाले हैं। ये किसी ने पूछा नहीं है रोहित भाई, मैं पूछ रहा हूँ, मैं भी आपका चाहने वाला हूँ। आप जो हैं, आपकी पत्रकारिता जो है उच्च स्तर की है। चंद्रशेखर जी, मैं भी आपका चाहने वाला हूँ। किसने नहीं पूछा है, देखिए मैं कह रहा हूँ, हम भी आपके चाहने वाले, हम आपसे पूछ रहे हैं। जी, आपने सवाल पूछा है मुझसे जुड़ा जी, चलिए धन्यवाद, मैं आपने पूछा और मैं इसका जवाब दूंगा, बिल्कुल दिल से जवाब दूंगा जी। देखिए, अगर मुझे विधायक एमपी बनना होता तो वास्तविकता में मैं इस राजनीति से नफरत करता था जी। मैंने सत्ता की ताकत को उस समय महसूस किया जब मैं निर्दोष होते हुए 6 महीने जेल में रहने के बाद, और जिस दिन मुझे हाईकोर्ट द्वारा जो है बेल मिलती है, मेरे ऊपर रासुका लगा दी जाती है, 8 महीने मेरी पीठ को जो है तोड़ा जाता है, मेरा इलाज नहीं होता। और जब मैं दिल्ली का आंदोलन लड़ने आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि निर्दोष होते हुए हमारे लोगों पर लाठियाँ चला जाती हैं, 96 लोगों ने यहाँ जेल काटी दिल्ली में, तिहाड़ जेल में। और जो सिस्टम में भ्रष्टाचार है, जो पैसे की पावर के आगे निश्चित पूरा सिस्टम और सत्ता का नतमस्तक है, मैं इस पीड़ा को समझता हूँ। इसलिए मैं बनने के लिए नहीं हूँ, बनाने के लिए हूँ। मैं तो काशीराम साहब का चेला हूँ, जो लोग राम नाम पे लूट कर रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, काशीराम का चेला, उस राम नाम की लूट को बंद करके इस ये जो जंगल राज से मुक्ति दिलाएगा। इसलिए मैंने तय किया, अगर पार्टी कैडर कहेगा, पार्टी का जो कोर कमेटी कहेगी तो अलग बात है, मगर मैं अपना फैसला आपके सामने प्रतिज्ञा के रूप में रखता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में घूम के अपने लोगों को तैयार करना, वो लोग जो हर बार उम्मीद सपना तो देखते हैं जब चुनाव आता है कि इस बार उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी, इस बार उन्हें गरीबी से मुक्ति मिलेगी, इस बार उनके बच्चों को जो है अच्छा इलाज मिलेंगे,
ठीक है, लेकिन मिलते नहीं है। चंद्रशेखर मैं आप रोकूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन एक आखिरी सवाल लड़ाने का काम करूंगा। ठीक है, ये हमने आपका जवाब सुना कि आप लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़वाएंगे। एक आखिरी सवाल वक्त का, मैं बड़े संक्षेप में। देखिए चंद्रशेखर, मैं सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लगातार देखते हैं। सबके लिए रोहित जी, जी रोहित जी, सबके लिए कुर्सी जरूरी है। रोहित जी, सबके लिए कुर्सी जरूरी है और मेरे लिए मेरे लोगों के अधिकार, उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान, सुरक्षा। ठीक है, तो हर आदमी अगर बनने के लिए आएगा रोहित जी, तो फिर काम कौन करेगा? मैं उनका वर्कर हूँ। ठीक है, मेरा बड़ा एक आखिरी सवाल आपसे, बड़े संक्षेप में एक आखिरी सवाल। सवाल ये कि जब भी कोई किसी आंदोलन से नेता बना, अगर हम पिछले कुछ दशकों में देखें, तो लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है तो उस आम आदमी की बात भूल दी जाती है। बीएसपी के साथ यही हुआ, जिन कांचीराम की आप बात कर रहे हैं उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया। लेकिन आप सच बताइए, चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी कितनी बदली? चंद्रशेखर आजाद को खुद संघर्ष करना पड़ा यहां तक पहुंचने में। तो यह बड़ा सवाल है कि आंदोलन से नेता तो बनते हैं, लेकिन जब वो नेता बन जाते हैं तो आंदोलन पीछे छूट जाता है। देखिए सर, रोहित जी संघर्षों से लाल पैदा होते हैं, समझौतों से दलाल पैदा होते हैं। मैं संघर्ष से तैयार हुआ। जिन लोगों ने मुझे सताया, जिन लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमे लगाए, मैं उनकी राजनीतिक व्यवस्था को भी समझता हूँ। वो चाहते हैं कोई ईमानदार व्यक्ति लड़ने ना आए। ऐसे भ्रष्टाचारी और करप्ट लोग रहे जिसके सीबीआई ईडी का डर दिखा के, इनकम टैक्स का डर दिखा के उनका मुंह बंद किया जाए, अपने तरीके से उनसे काम लिया जाए। मैंने ये रास्ता इसलिए चुना कि मैं बहुत सारे लोगों का जीवन बदलना चाहता हूँ। मैं महसूस करता हूँ उन परेशानियों को जो मैंने खुद के जीवन में झेली, और आज भी वो बरकरार। मैं उन परेशानियों को बदलना चाहता हूँ, इसलिए मेरा संकल्प ही जो है ना मेरी ताकत है। मैं एक गरीब का बेटा हूँ, मुझे मेरी कोई जो है ना, मैं कड़वे शब्दों में कह रहा हूँ, अच्छी नहीं लगेगी सब लोगों को। ना तो मेरी बुआ जो है मुख्यमंत्री थी, ना ही मेरे पिताजी जो हैं मुख्यमंत्री रहे, ना ही मेरे दादा मुख्यमंत्री रहे, ना प्राइम मिनिस्टर रहे। मैं तो एक आम आदमी, घर एक गरीब घर से निकला हूँ और गरीबों की समस्या को समझता हूँ, और इसलिए मैंने नेता स्वीकार किया माननीय काशीराम साहब को। और आप सच जानना चाहते तो ये है कि जब मैं रात को सोता हूँ तो बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब मेरे सपने में आते हैं, मुझसे कहते हैं कि मैंने ये संविधान बनाया और ये उंगली का रास्ता दिखाया कि संसद की तरफ चलो, संसद पे कब्जा करो, देश में सत्ता लाओ। और काशीराम साहब कहते हैं मैंने अपनी पूरा जीवन खर्च कर दिया कि तो ये गरीबों की सत्ता आएगी, बहुजनों को राज मिलेगा, और तुम लोग चैन से कैसे सो सकते हो? तो मैं उठ जाता हूँ और मैं फिर ये संकल्प करता हूँ हर रोज कि नहीं, माननीय काशीराम आपका सपना पूरा करेंगे, गरीबों की सत्ता लाएंगे, उनके हक अधिकार उनको देंगे, ये जो अमीरों को जो सुविधाएं मिली गरीबों को भी देंगे, और गरीबों के जीवन को जो नरक बनाया गया है, जो धोखा उनसे हुआ है, छल को बंद करेंगे। ये जो आप समझते हैं, बिल्कुल रिश्ता प्रोग्राम बंद नहीं होगा प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन गरीबों पे घर नहीं रहेंगे। एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हरियाणा बॉर्डर पे 15,000 घर गिराए जा रहे हैं, कोरोना काल सब चीजें हैं, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था नहीं। मैं उस आंदोलन को लड़ूंगा, लेकिन सरकार ये याद रखे, सरकार कोई भी हो, अगर कहीं बहुजनों पे अत्याचार होंगे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान या किसी गरीब पे, किसी भी समाज के किसी बहन पे, तो आजाद समाज पार्टी उस हर शख्स के साथ खड़ी है, उनको न्याय। ठीक है चंद्रशेखर, अब मैं आपको रोकूंगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा, बिल्कुल आपने तमाम बड़ी बातें कही और आपने कहा संघर्ष से आप पैदा हुए हैं और बिल्कुल संघर्ष करना चाहिए, युवा राजनीति में आए। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने खास शो में मेहमानों को इसलिए नहीं बुलाता कि मैं आपसे बहस करूं, आपको उस बहस में हरा दूं, खुद जीत जाऊं। मैं सिर्फ इसलिए बुलाता, और हमने आज आपको भी इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया कि हम आपकी बात सुन सकें और आपसे चार सवाल पूछ सकें, क्योंकि आप नेता बनने जा रहे हैं, हम सब लोगों की जिंदगी की बागडोर आप संभालने का दावा कर रहे हैं, तो आपसे सवाल पूछने का हक हमें होना चाहिए। और बिल्कुल वाजिब एक एक बुनियादी सवाल हमने आपसे जाना, और इस चुनाव पर पूरा अधिकार है, आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे चंद्रशेखर, आप अधिकार है जी। और मैं नेता नहीं, बेटा बन के, भाई बन के इस काम को करूंगा, क्योंकि मैं इस व्यवस्था को बदलना चाहता हूँ। दूसरी बात, आपने जो अभी कहा जी, कि मैं बागडोर संभालूंगा और इस देश को वास्तविक सोने की चिड़िया बनाने के लिए काम करूंगा। ठीक है चंद्रशेखर, मैं आपको बहस में नहीं हराना चाहता रोहित जी, जी। ये तो बहुत लोग हराने जीतने वाले। नहीं, मैंने वही कहा, अपने मेहमानों को इसलिए नहीं बुलाते, हम उनकी बात सुनने के लिए बुलाते हैं ताकि जनता को ये बता सके कि नेता उनके क्या सोच रहे हैं और जनता के सवाल हम पूछ सके।
तो आपसे लगातार मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी इस चुनावों के दौरान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। जी जी रोहित जी, जी जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। पत्रकारों की डिबेट में उनसे वार्ता करने जाता भी नहीं जी, जिनका जमीर बिका हुआ होता है ऐसे पत्रकारों की वार्ता में मैं जाता भी नहीं। आप अच्छे पत्रकार हैं इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए हूँ। मैं चाहूंगा आपकी आपके लिए मंगल कामना है, पूरे देश के लिए मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया अपने इरादे बताए और उनका